हाँ भाई, अब हम जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये मैं वहाँ जाके बताऊँ तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अभी मेरे पीछे जहाज खड़ा हुआ है, ये रहा, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी मैं फ्लाइट के अंदर बैठा हूँ और ये जो कतर एयरवेज है ना, इसका क्लास अलग है। आगे के जो सीन है वो मैं बारी बारी आपको बताता रहूँगा। तो कराची से निकले, जहाज में बैठे और जहाज में बैठने के बाद अब कहाँ जाएंगे वहाँ जाके ही बताऊँ। यार एक बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, यहाँ पर जो भी मेरे भाई और लेडीज़ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, मास्क के बगैर ना ज़िंदगी अधूरी हुई हुई है इस वक्त, और इतनी अधूरी हुई हुई है कि क्या बताऊँ। पहले आप जहाज़ में बैठते थे तो आप एयरहोस्टेस को देखते थे, खुश होते थे, अब आप एयरहोस्टेस को देखोगे तो डर जाओगे। कभी कभार आपका दिल चाहता है कि आप बिजनेस क्लास में सफ़र करो, लेकिन कभी कभार इकोनॉमी क्लास भी जो है ना वो बिजनेस क्लास में जाती है। बराबर वाली सीट खाली है तो आराम से चिल सीन ऑन है, मूवी लगा दी गई है और अब जो है हम फ्लाइट के मज़े करेंगे और अब डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे और वहाँ के सीन चेक करवाता हूँ आपको, ठीक है? वेट फॉर इट। ओके, अभी इस वक्त मैं आ गया हूँ दोहा पे। यहाँ पर जो है इस एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। उस फ्लाइट के लिए हमें 2.5 आवर अराउंड लाइक 3 आवर्स हमें वेट करना पड़ेगा। सिस्टम ये है कि आपको लग रहा होगा कि मैं मूव कर रहा हूँ, बट लाइक मैं एक्सेलेटर्स पे हूँ। इट्स रियली नाइस यार, आफ्टर कोविड ना आई एम कमिंग हेयर फॉर द सेकेंड टाइम, सो आई कैन सी द डिफरेंस, यू नो। इट्स नॉट दैट क्राउडेड एंड इट्स नॉट दैट हैपनिंग, बट सो फार सो गुड। आपको यहाँ के सीन चेक करवाता हूँ और फिर उसके बाद हम फिर फ्लाइट पकड़ेंगे और अब फिर हम कहाँ जाएंगे वहाँ जाके दिखाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। ऐसे पता नहीं, मज़ा नहीं आएगा। अभी अभी रुको, अभी पिक्चर जो है ना बाकी है मेरे दोस्त। हाँ जी, बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है और शॉपिंग कर ली है अपने भाई के लिए, क्योंकि मेरा भाई जो है वो वेट कर रहा है। और अब हम बैठेंगे फ्लाइट में और फ्लाइट में बैठेंगे और भाई की हिंट तो कुछ समझ जाना चाहिए जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। लेट्स सी कि आप लोग समझते हैं तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ मुझे, ठीक है? हाँ भाई, यू आर वेलकम। अभी मैं आ चुका हूँ, अब मुझे बैगेज क्लेम करना है, इमिग्रेशन क्लियर हो गई है। अब मैं कहाँ आया हूँ वो मैं दिखाऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा सब यार, सरप्राइज होने चाहिए। पहले बैगेज उठा लूँ, ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं। मेरे साथ खड़ा हुआ है और हम पहुंच गए हैं कहां पर? जर्मनी। यूरो ट्रिप स्टार्ट हो रहा है और ये मेरा बहुत जबरदस्त फ्लावर्स लेकर आया है और आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। बहुत जबरदस्त वेदर है, हैप्पी निकल रही है और मजा आ रहा है। ओके, लेकिन मास्क बहुत जरूरी है। हां, मास्क बहुत जरूरी, पूरे नहीं पहना हुआ तो यहीं का हूं। अभी हम लोग जाएंगे अभी हम जाएंगे हिल्टन बर्लिन में। ओके, और वहाँ पे स्टे करेंगे दो दिन के लिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा अगला प्लान क्या है। और अभी हमारी गाड़ी रेडी है, बिल्कुल रेडी है, खड़ी है। बस अब हम गाड़ी पे जा रहे हैं और आपको आगे के सीन चेक करवाते हैं। ओके, ये होता है फ़ायदा भाई का, ठीक है? आपकी गाड़ी आ जाती है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती और आप जो है वो मज़े से ट्रैवल करते हैं। आई है तो फिर क्या टेंशन। ओके, चलो आ जाओ। Wir sind Mietwagen, wir sind nicht Taxi.
Das ist der Preis, wirklich. Ja, mit Mietaxi. Guck mal, wir brauchen 36 Minuten. Wir brauchen 6, ist es nicht mit 36 zu tun? Also ich wusste nicht, dass du kein Taxi bist. हाँ भाई, ये हिल्टन बर्लिन मेरा होटल है। अब मैं जा रहा हूँ चेक इन करने के लिए, सामान रख दिया है और व्यू जो है वो आप चेक करो भाई, मतलब इट्स अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। और वेदर बहुत मज़े का हो रहा है, मतलब ठंड नहीं है, मैंने सिर्फ एक लेयर पहनी हुई और उसके बाद ये इट्स रियली अमेजिंग और बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरा भाई जो है यार, मैं आया हूँ पाकिस्तान से। ब्लॉग के अंदर ब्लॉग कैसे बन सकता है? ब्लॉग बन रहा है, मेरा भाई मेरे साथ है। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी टू हैव माय ब्रदर ओवर हियर, शाहरुख खान। ओके, और आप देखें, मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और आपको चेक इन करते हैं, रूम के सीन चेक करवाते हैं क्योंकि I need to rest, okay? So, stay tuned, okay? परदेस में देश जैसा मजा सिर्फ अपना भाई दे सकता है, सगा भाई। आप देखें, वो सारी टेंशनें उठा रहा है और आपका भाई यहाँ पर चिल कर रहा है, होटल के मजे ले रहा है। और सीरियसली इट्स रियली अमेजिंग होटल, इट्स हिल्टन होटल। और बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज सो नाइस, यू नो, इट्स लाइक आई रियली लाइक इट। और पीछे जो टेंशन है ना वो सारी शाहरुख उठा। शाहरुख, आप टेंशनें उठाएं, हम अपना व्लॉग बनाते हैं। आ गए और रूम बहुत ही जबरदस्त है। भाई की चॉइस है तो भाई की चॉइस तो अच्छी होगी ना, मतलब मेरे भाई की, आपके भाई की नहीं। और व्यू के तो सारे, मतलब असल पैसे जो है ना इस जगह पे, इस होटल के, वो ये व्यू है। मतलब यू कैन सी द सिटी एंड इट्स रियली नाइस। और ये विंडो भी थोड़ी सी खुलती है लेकिन अभी नहीं खुल रही, कोई मसला नहीं। और सबसे जो अमेजिंग चीज़ है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, और जो आपको भी, मतलब टीवी वीवी भी है भाई, ऐसी बात नहीं है, सारी सर्विसेज हैं। और फ्रिज भी है यहाँ पर, ठीक है। और फ्रिज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए, जो मैंने पहले ही देख ली, रेड बुल भी है, ठीक है। और उसके साथ साथ अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वॉशरूम अच्छा नहीं हो मज़ा नहीं आता। तो वॉशरूम बहुत सेक्सी है, ये लाइट थोड़ी सी ब्रिंगिंग कर रही है और बाथटब भी है। मतलब ऑल इन ऑल ट्रिप बहुत अच्छा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अब जो है हम, शाहरुख जो है वो ज़रा सा बाहर मसले मसाइल हैंडल कर रहा है, मैं ज़रा से यहाँ रूम में रेस्ट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, शावर ले रहा हूँ, और उसके बाद हम जाएंगे खापे में। भाई बर्लिन में आए और खाना नहीं खाया तो क्या खाक बर्लिन आए? तो अब आपको डायरेक्ट सीन दिखाएंगे खाने के। और स्टे ट्यून भाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत, पूरा भाई आपको यूरोप घुमाने वाला है। ओके, हाँ भाई, व्यू चेक कर रहे हो, गैलरी में खड़े हुए, और ये व्यू है, और ये मेरा भाई है, और ये मैं हूँ, और ये मेरा रूम है, और यहाँ पर पार्टी हो रही है, पार्टी। सबसे बड़ी बात जरूरी, यूरोप आओ तो यूरोपियन बन जाओ। तो भाई ने जो पूरा गेटअप किया हुआ है ना, वो फुल यूरोपियन स्टाइल, तो लेट्स सी क्या होता है। देखो, स्टार्ट मिटर का मतलब ही क्या है, सिटी मिटर मिडिल। स्टार्ट मिटर यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्ट का मतलब है सिटी शहर, और मिटर का मतलब है मिडिल। तो हम सिटी के मिडिल में इस वक्त स्टेशन पे लिखा हुआ, मतलब इससे बड़ा मैं प्रूफ नहीं दे सकता आप लोगों को। ये हम सिटी व्यू देख रहे हैं आज, और ये चॉकलेट हाउस है। हाँ, इस पूरे हाउस के अंदर सिर्फ चॉकलेट है दुनिया जहाँ की, इसमें भी जा सकते हैं हम लोग बाद में खाने के बाद, कुछ मीठा हो जाए, मीठे के लिए हम लोग इधर जाएंगे। अभी हम लोग लेफ्ट पे जाएंगे। अच्छा,
यहाँ से। अभी आप शाहरुख हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं एक टिपिकल बवेरियन जर्मन रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम जर्मन प्लेटर के ऊपर खाना खाएंगे। ओके, साउंड सो एक्साइटिंग। वाकई भी है यहाँ पे, मतलब ये पूरा स्टोर है जिसके अंदर हर चीज़। आप देख रहे हैं आपके साथ एक, हमने जर्मन जो है नेशनल टूरिस्ट गाइड और इन उर्दू इंटरप्रिटेटर, उर्दू इंग्लिश जर्मन तीनों जबान, जबरदस्त जो चाहिए आपको। शाहरुख जरा जर्मनी में हाउ आर यू बोलो। हाउ आर यू? वी गेट्स हियर। बोली थोड़ी जर्मन टैक्सी में, सुनी नहीं? हां सुनी, क्या सबने सुनी हमारे ब्लॉग में, सबने व्यूअर्स ने सुनी। मैं ऑफिशियली ट्रांसलेटर हूँ और ट्रांसलेशन मैं करता हूँ पुलिस के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, तो मुझे तो जर्मन बोलनी बोलनी पड़ेगा। सर ये बंद क्यों है बात? जल्दी मतलब 6 बजे तक बंद हो जाता। अच्छा, क्योंकि कोरोना की वजह से है नहीं लोगों का हाँ बिजनेस। मैं देखूँ कहाँ पर हम लोग। हाँ जी, जर्मनी में घूम रहे हैं, रोड का सिटी व्यू आप लोग देख रहे हैं, खाने की तलाश में निकले हुए हैं और मेरा भाई मेरे साथ है। इट्स रियली अमेजिंग और बहुत मज़ा आ रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं, मतलब इतना रश नहीं है, अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर है, अच्छे लोग भी कम है क्योंकि ज़्यादा नहीं है। ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको शाहरुख हमारा गाइड जो है वो बताता रहेगा। और हम जो है अभी आराम आराम से मजे लेते हुए वॉक कर रहे हैं। वो सो फार सो गुड यार, मैं और मेरा भाई हम दोनों आए हैं। ये शाहरुख कौन सा रेस्टोरेंट है? मैक्स मिलियन रेस्टोरेंट। और यकीन करें कि इनका मेन्यू भी बहुत ज़बरदस्त है और हमने अभी कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है, लेकिन अब ऑर्डर कैसे होंगी और कौन करेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ, बताता नहीं, ठीक है? तो भाई आपने फिश ऑर्डर की है? फिश ऑर्डर की है, बीफ ऑर्डर किया है और उसके साथ एक वेजिटेबल प्लेटर ऑर्डर किया है जिसके अंदर प्रेट्सल होते हैं। प्रेट्सल जर्मनी के लिए बहुत मशहूर है, तो इस वजह से मैंने कहा पहली बार भाई आया तो उसे प्रेट्सल तो खिलाए। वो ब्रेड होती है, वो जब आएगी तो फिर देखेंगे आप। क्या बात है यार, ऑर्डर तो आपने देख लिया कि शाहरुख ने कर दिया, तो मैं क्यों ना इस टाइम को अवेल करूँ कि जब तक हमारा खाना आ रहा है तो मैं आपको ज़रा से इसके सीन चेक करवाता हूँ, यहाँ के क्या माहौल है, क्या कल्चर है जर्मनी का और किस तरीके से। मुझे तो पहली बात है इसका एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगता है ज़रा देख के बताइए। भाई हो तो ऐसा भाई हो जो मैं खाना चाह रहा था ना, मतलब व्हेन यू गो आउटसाइड ऑफ कंट्री ना तो आपको ऑथेंटिक फूड खाना चाहिए, तो दिस इज़ लाइक ऑथेंटिक फूड। और कहते ना ये आप फिश देखें, इट्स जो मैं खाना चाह रहा था, मैं फिर से बोलूँगा उसमें इंच भी फर्क नहीं है। ये वो इंच पंजाबी वाला भी है और इंग्लिश वाला भी है। It's really amazing. Let me have my food. मैं इसके बाद आपसे बात करता हूँ। Finally हम आ गए हैं यहाँ पर और ये वो जगह है जहाँ पर मुझे लोग दिख रहे हैं अपने इर्द गिर्द और बहुत ज़्यादा सर्दी है, टेम्परेचर इस वक्त माइनस में है और हालत ख़राब है। मैंने फुल अपने आप को पैक किया हुआ है और मेरे भाईजान साहब जो हैं वो घूम रहे हैं और मैं फाइनली यहाँ पर लोग देख सकता हूँ, कुछ रश देख सकता हूँ, मज़ा आ रहा है यार। सो फार सो गुड, खाना खाया, खाने के बाद हम लोग निकला है वॉक पे। और शाहरुख जी हम कौन सी जगह पे भाई? हमें टर्न ओवर करना पड़ेगा ताकि हम गेट को दिखा सकें। अच्छा, तो इस गेट के थ्रू रशिया वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे आई थी और आके जर्मनी को उसने कॉन्कर किया था। तो जब हिटलर यहाँ पे था तो वो रशिया यहाँ से आई और उसने आके किया और हिटलर ने अपने आप को फिर सुसाइड कर ली,
लेकिन वो इस डोर के थ्रू आया और इसके दूसरी साइड पे रशिया की थी और इससे दूसरी साइड पे फिर जर्मनी बना, जहाँ पे फ्रांस, इसी वजह से फ्रांस की एम्बेसी इस तरफ है okay. जो आप देख सकते हैं ये फ्रांस की एम्बेसी है, फ्रांस की एम्बेसी है okay. वो इसी चीज को शो कराती है कि भाई रशिया यहाँ से मार्च करते हुए रेड आर्मी आई थी okay. और आने के बाद कॉन्कर डिवाइड कर दिया था और कॉन्कर्ट किया था, कॉन्कर्ट कर दिया था। अच्छा एक और बात बताएं, जर्मनी की आर्मी को डिफीट कर दिया था, नाजी को। बड़ी बात है। अच्छा अब आपने हिस्ट्री भी बता दी, अब आप एक और बात बताएं, अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है? टेम्परेचर 0 degrees है इस वक्त। ओके। लेकिन बर्फ नहीं गिर रही क्योंकि बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश हो रही होती तो बर्फ होती अभी। जाहिर सी बात है 0 degrees में बारिश होगी तो बर्फ जम जाएगी ना भाई। लॉजिकल बात है, आइस बन जाएगी और बहुत मजा आ रहा है और इट्स रियली नाइस।